नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। भारत के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन से पूरे हिंदुस्तान में आज शोक की लहर है। देश के सच्चे सपूत के यूं चले जाने से आज पूरा देश गमगीन है। भारत माता के सच्चे सपूत गलवान के इस बलवान को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। हजारों आंखों ने नम होकर भारत के शूरवीर को नमन करते हुए अलविदा कहा। साथ ही उन्हें यह भी कहा कि आप हमसे दूर जाकर भी करोड़ों देशवासियों के मन में ही रहोगे जनरल रावत। भारत के करोड़ों लोगों की श्रद्धा अपने साथ लेकर बिपिन रावत आज पंचतत्व में विलीन हो गए। रावत की बेटी ने उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। CDS जनरल रावत की बेटियां कृतिका और तारिणी ने अपने माता पिता का पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया। 17 तोपों की सलामी देकर भारतीय सेना ने सैन्य सम्मान से कर्नल रावत को अलविदा कहा। सेना में और देश के लोगों पर भरोसे की एक ऐसी अमिट छाप छोड़कर जनरल बिपिन रावत गए हैं जो कभी मिटेगी नहीं। दिल्ली कैंट में देश के शूरवीर को जब अंतिम विदाई दी गई तो लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, CGI एनवी रमन्ना, PM मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने भी जनरल रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अंतिम संस्कार से पहले सुबह जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका सिंह के पार्थिव शरीर को उनके आवास पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था। यहां देश के योद्धा बिपिन रावत और उनकी पत्नी के सम्मान में बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। जनरल रावत को खोकर लोग गमी के माहौल में थे, लेकिन भारत माँ के इस सच्चे सपूत के प्रति उनका आदर भाव आंखों में साफ छलक रहा था। रावत के आवास पर एक बुजुर्ग महिला भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची थी। बुजुर्ग महिला जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि देते हुए फफक फफक कर रोने लगी। बुजुर्ग महिला के भावुक होने पर वहां मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं देश के महानायक जनरल बिपिन रावत के यूएन जान सफर पर चले जाने से देशवासी आज कितने दुखी हैं, उनके प्रति भारत के लोगों के मन में कितनी श्रद्धा है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि मानो देश का हर इंसान उन्हें यही कह रहा हो कि लौट आइए ना जनरल साहब, इस देश को आपकी जरूरत है, भारतीय सेना को आपकी जरूरत है, हम सबको आपकी जरूरत है जनरल साहब। ये बिपिन रावत का समर्पण था, ये बिपिन रावत का विश्वास था, ये बिपिन रावत का कर्म था अपनी मातृभूमि के प्रति, जो दूर जाकर भी उन्हें करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा रखेगा। दूर रहकर भी हिंद और हिंदुस्तानियों के दिलों पर आप राज करेंगे जनरल बिपिन रावत। इस देश की आने वाली कई पीढ़ियां आपकी शौर्य गाथा सुनेंगी तो उनका सीना वाकई में फक्र से चौड़ा होगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के साथ आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।